हेलो फ्रेंड्स, निटिंग टेल्स पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिंगरलेस ग्लव्स लेके आई हूँ। इसे बनाने के लिए ये हमने 4 रंग के ऊन लिए हुए हैं और ये 9 नंबर की नीडल ली हुई है और ये 3.5 mm की क्रोशिया ली हुई है। तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये 48 फंदे डाले हुए हैं और 48 फंदे डालने के बाद ये 2 फंदा सीधा और 2 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, ऐसे करके हमने 28 सिलाई बुन लिया है। सीधी तरफ से भी 2 फंदा सीधा और 2 फंदा उल्टा, और उल्टी तरफ से भी सीधे फंदे पे सीधा और उल्टी तरफ से उल्टे फंदे पे उल्टा, ऐसे करके हमने ये 28 सिलाई बुन लिया है। अब 28 सिलाई बुनने के बाद फिर हम यहाँ पे थंब और आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट, ये तीनों फंदों को हम डिवाइड करेंगे। ये देखिए, ये हमने एक ग्लव्स को बना लिया है, ये हमने एक ग्लव्स को बनाया हुआ है। अब दूसरा पार्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमने ये बॉर्डर को बनाया है, ये 48 फंदे डाल के 28 सिलाई हमने ये बुन लिया है। अब ये देखिए, ये नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है और थंब का हिस्सा ये है, ये हमने थंब बनाया हुआ है। अब इसको हम यहाँ पर थंब को बनाएंगे। ये 48 फंदे डालने के बाद 28 सिलाई को बुन लिया है और अब उसके बाद यहाँ पे हम ये अंगूठा बनाएंगे। तो अब अंगूठा बनाने के लिए हमें पहले 24 फंदे हमें सीधे सीधे बुन लेने हैं। अब ये बॉर्डर को नहीं बनाएंगे, 2 फंदा उल्टा 2 फंदा सीधा नहीं बनाएंगे, अब सीधी और उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। पहले हमने 24 फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। ये हमने 24 फंदे सीधे सीधे बुन लिए। अब इस धागे को लेकर के ये राइट हैंड वाली सिलाई पे ऐसे हम फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए, ये धागा ऐसे लेंगे, ऐसे ले, ऐसे, और इसको हम ये राइट हैंड की सिलाई में ऐसे डाल लेंगे। ये हमने फंदा बढ़ा लिया और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर हम एक फंदा फिर हम बढ़ाएंगे ऐसे ऊन को लेकर के ऐसे, और ये राइट हैंड वाली सिलाई में ऐसे डाल लेंगे। तो ये बीच में हमने एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा ये बढ़ाया है, एक फंदा सीधा बुना, फिर एक फंदा बढ़ाया, और अब ये फंदे पूरे हम सीधे बुन लेंगे। इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने पूरे फंदे बना के कंप्लीट कर लिया। पूरी सिलाई को बनाने के बाद, पूरी सीधी सिलाई को बनाने के बाद, अब उल्टी तरफ से, उल्टी तरफ से पूरे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस सिलाई को बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब सीधी तरफ से, सीधी तरफ से ये देखिए, ये बीच में हमें ये 2 फंदे हमें बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक फंदा ये बीच में सीधा बुना हुआ, ये फंदा बढ़ा हुआ है और ये फंदा बढ़ा हुआ है। अब हर सीधी सिलाई में 2-2 फंदे बढ़ेंगे। अब इसके लिए देखिए, ये किनारे के 24 फंदे पहले हमें सीधे बुन लेने हैं, उसके बाद फंदों को कैसे बढ़ाएंगे ये फिर हम आगे आपको दिखाएंगे। पहले 24 फंदों को सीधा बुन लें। ये यहाँ तक बना लेते हैं। अब ये हमने 24 फंदों को सीधा सीधा बुन लिया। अब ये देखिए, बढ़े हुए फंदे हमें दिख रहे हैं। पहला फंदा ये बीच में हमें सीधा दिख रहा है, ये किनारे का फंदा बढ़ा है और ये किनारे का फंदा बढ़ा है। इस तरह से हमने 2 फंदे ये बढ़ा लिए।
अब यहाँ पे फिर हम फंदे बढ़ाएंगे। 24 फंदे बुनने के बाद फिर हम धागे को ऐसे लेंगे और यहाँ पे फिर हम एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। फिर ये जो बीच के 3 फंदे हैं इसको हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा बढ़ाने के बाद फिर सीधा 3 फंदों को बुन लेंगे। और 3 फंदे सीधा बुनने के बाद फिर हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर धागा को ऐसे लेंगे और ऐसे ये फंदा को ऐसे बढ़ा लेंगे। तो अब ये देखिए, ये सबसे पहले हमने 24 फंदे सीधा बुना, फिर हमने एक फंदा ये बढ़ाया, फिर 3 फंदा सीधा बुना, फिर एक फंदा ये बढ़ाया। अब ये फंदे जो बचे हुए इसको पूरे को हम सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से बीच में ये फंदे बढ़ते जाएंगे। अभी हमने ये एक बार फंदा बढ़ाया था पिछली बार और ये दूसरी बार बढ़ाया है, तो अब ये देखिए हमने ये फंदे बढ़ाए हैं। ये बढ़े हुए फंदे आपको ये इस साइड से भी दिख रहे हैं और ये इस साइड से भी दिख रहे हैं। दोनों तरफ से जब ये फंदे बढ़ाए जाएंगे तो ये 11 बार ये फंदे बढ़ाए जाएंगे। अभी हमने ये देखिए, ये इसमें हमने दो बार फंदे बढ़ाए हैं और 9 बार और बढ़ाएंगे। पूरे टोटल 11 फंदे इधर बढ़ेंगे और 11 फंदे इधर बढ़ेंगे। इतना बनाने के बाद फिर हम आगे आपको बना के दिखाएंगे। अब ये देखिए 11 बार हमने ये फंदों को बढ़ा लिया है, ये इधर भी बढ़ा लिया और इधर भी बढ़ा लिया। अब क्या करेंगे, इस थंब वाले हिस्से को हम अलग रखेंगे सेफ्टी पिन पे। अब इसके लिए ये 24 फंदे हम पहले बुन लेते हैं सीधा सीधा। ये जो बढ़ा हुआ ये फंदा है यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले सीधे पूरे फंदे हम बुन लेते हैं। अब यहाँ तक हमने फंदों को बुन लिया। अब इसको हम एक सेफ्टी पिन पे चढ़ा लेते हैं। इसके लिए हम सेफ्टी पिन लेंगे और इन फंदों को हम धीरे धीरे इस पे रख लेंगे ऐसे करके। इस बढ़े हुए फंदे को हमने इस सेफ्टी पिन पर रख लिया और इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। अब ये फंदा हमारा ये अलग हो गया। ये हमने फंदों को 24 फंदों को पहले बुन लिया था, अब धागा इसी को यहाँ से लेकर के और अब ये जो फंदे बचे हैं 24 फंदा इसको इसी में ऐसे लगा के और यहाँ से बुन लेंगे। इसको हम आगे कर लेंगे और ऐसे धागे को ऐसे लगा के एक साथ हम बुनेंगे, पूरी सिलाई बना लेंगे। ये हमने पूरी सीधी सिलाई बना लिया। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टे फंदे बुन लेंगे।
पूरी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने पूरी उल्टी सिलाई बना लिया, ये देखिए हमने ये दो सिलाई सीधा उल्टा बनाया, एक सिलाई पूरा सीधा बनाया और एक सिलाई पूरा उल्टा बनाया, दो सिलाई हमने बुला लिया सीधा उल्टा और 18 सिलाई और हम सीधा उल्टा बनाएंगे। अब 18 सिलाई और बनाने के बाद फिर हम आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। अब ये हमने 18 सिलाई बुन लिया, दो सिलाई पहले सीधा उल्टा बुना था और 18 सिलाई अब बुना है, तो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 सिलाई हमने सीधा उल्टा बुन लिया। अब सीधा उल्टा बुनने के बाद 20 सिलाई, ये हमने एक सिलाई उल्टा बुन लिया, अब उल्टी तरफ से तीन सिलाई हम उल्टा और बुनेंगे, एक सिलाई हमने उल्टा बुन लिया और तीन सिलाई उल्टी और बनाएंगे। अब ये हमने चार सिलाई उल्टा बना लिया, चार सिलाई उल्टा बनाने के बाद ये दो धारियाँ आ जाएंगी। अब हम इसके बाद इन फंदों को बंद कर देंगे। ये फंदों को हम ऐसे बंद करेंगे, दो फंदा हमने सीधा बुन लिया, अब ये पीछे वाला फंदा ये आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे तो पीछे वाला फंदा ऐसे उतार लेंगे, ये इस तरीके से हम पूरे फंदे बंद कर लेंगे। अब हमने पूरे फंदों को बंद कर दिया, ये देखिए यहाँ से लेकर के और ये पूरे फंदों को बंद कर दिया और ये साइड से हमने ये सिलाई कर दी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस ग्लव की हमने सिलाई कर दी। सिलाई करने के बाद ये ग्लव्स बनके तैयार हो गया है और ये थंब वाला हिस्सा जो हमने सेफ्टी पिन पे उतारा हुआ था, ये फंदों को हमने सिलाई पे लेकर के चार सिलाई सीधा सीधा बुन दिया है, तो ये देखिए ये दो लाइनें आ गई हैं। और ये बुनने के बाद फिर ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक ये हमने इसको सिल दिया, तो अब ये ग्लव्स बन के तैयार हो गया है, इसको अब हम डेकोरेट करेंगे। तो ये अब हम ये आउल की आईज बनाएंगे, इसे बनाने के लिए ये देखिए ये ग्रे कलर का धागा हमने लिया और ग्रे कलर के धागे से हम चार चेन बनाएंगे, ये देखिए एक चेन बनाया, दो बनाया, तीन बनाया और ये चार बनाया। ये हमने चार चेन बना लिया, चार चेन बनाने के बाद ये लास्ट वाले चेन में ये ऐसे डालेंगे और इसको ऐसे धागे को ऐसे खींच लेंगे, इसके बाद इसे हम एक सर्किल बना लेंगे, ये देखिए। अब इसमें हम 10 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे लिया और ये सर्किल के बीच में ऐसे डाला, इसको ऐसे खींचेंगे और ये ऐसे निकाल लेंगे, ये एक बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, ये दूसरी बार बनाएंगे। ये दो बार बनाया, तीन बार बनाया, चार बार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और ये लास्ट
10। ये 10 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद ये पहले चैन में ये जो है इसमें हम ऐसे क्रोशिए को डाल के और ये धागे को खींच के यहाँ पे इसे हम बंद कर देंगे। ये हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया, ये एक सर्किल बन के आ गया। अब यहाँ पे फिर हम इस धागे को छोड़ देंगे और क्रीम कलर का धागा लगा लेंगे। इसको यहाँ पे हम ऐसे रख देंगे और अब क्रीम कलर का धागा ले लेंगे। इससे देखिए हम ऐसे एक चेन बनाएंगे। एक हमने ऐसे चेन बना लिया। अब इसके बाद इसमें हम इसको जोड़ लेंगे। ये जो चेन बनाया था इस ग्रे कलर के धागे में डाल के ऐसे अंदर से इसको ऐसे खींच लेंगे। ये ऐसे हमने इसको जोड़ लिया। अब हम यहाँ पे क्रीम कलर के धागे से 10 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे लिया, और ऐसे बनाया। ये एक बार डबल क्रोशिया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छह बार, सात बार, आठ बार, ये नवी बार, और ये लास्ट 10वीं बार। ये 10 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट वाले चैन में ऐसे हम डाल लेंगे, ऐसे डालेंगे और इसको यहाँ पे हम बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बन के आ जाता है। ये बाद में हम इसे काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे और धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए जिस धागे को हमने कट किया था उसको हमने सुई में डाल लिया है, और अब हम इसको ऐसे पीछे कर लेंगे और इसको हम ऐसे पीछे से फंसा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये
आइस बन के तैयार हो। ये देखिए इस तरीके से हम इसके दो आइस बना लेंगे और इसके बाद अब हम आउल का माउथ बनाएंगे। ये देखिए एक हमने ये बना लिया और दूसरा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमने आइस बना के लगा ली, अब इसका हम माउथ बनाएंगे। इसके लिए ब्राउन कलर का वूल लेंगे और इससे हम ये पांच चेन बनाएंगे। ये देखिए ये हमने एक चेन बनाया, दो बनाया, तीन बनाया, चार बनाया और ये पांच बनाया। पांच चेन बनाने के बाद हम एक सर्किल बना लेंगे। ये लास्ट वाले चेन में ऐसे क्रोशिया डालेंगे और इससे ये हम धागा खींच लेंगे तो हमारा एक सर्किल बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम 10 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे लिया और ये सर्किल के बीच में क्रोशिया डालेंगे और इससे धागा निकाल लेंगे। ये एक बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, ये दो बार बनाया, तीन बार, चार बार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और ये दस। दस बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब इसको यहाँ हम ये लास्ट वाले चैन में ऐसे लेंगे, ऐसे ले करके और हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसे हमने बंद कर दिया। अब ये हमारा एक सर्किल बन के तैयार हो गया। अब इसमें फिर हम ये उसके अगले चैन में दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अगले चैन में हमने ये एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया और ये एक बार और उसी में बनाया, ये दूसरी बार भी हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद उसके अगले चैन में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अगले चैन में ये थोड़ा ढीला सा बनाएंगे, ऐसे लंबा सा लेकर के और ये डबल क्रोशिया बनाया, एक बार और उसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये भी थोड़ा ढीला रहेगा ऐसे। ये हमने बना लिया। अब इसके अगले चैन में यहाँ पे दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। ये देखिए अगले चैन में दो बार हाफ डबल क्रोशिया, ये हमने पहली बार बनाया और एक बार और बनाएंगे। ये ऐसे लेंगे और ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे धागा को कट कर लेंगे और इसे हम बंद करेंगे। ये हमने धागा को यहाँ पे कट कर दिया और कट करने के बाद ये हम बंद कर दिया यहाँ पे और अब हम इसको पीछे से फंसा देंगे।
सुई में धागा हमने डाल लिया और इसको ऐसे पीछे फंसाएंगे। ये हमारा देखिए इस तरह से ये माउथ बन के तैयार हो गया। अब ये देखिए एक ग्लव्स में हमने ये आइस को और माउथ को लगा लिया। अब ये हमारा एक ये बन गया। अब हम दूसरे ग्लव्स में इसी तरीके से हम लगाएंगे, ये दोनों आइस को लगाएंगे। एक ग्लव्स में हमने ऐसे लगाया और दूसरा ग्लव्स हमने इधर से किया। अब इसको भी अगर हम इसी तरीके से लगा देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। एक ग्लव्स का थंब इधर है और दूसरे ग्लव्स का थंब इधर है। ये ऐसे करने के बाद ये लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक हमने यहाँ पे लगाना है और दूसरा यहाँ पे लगाना है। अब एक लगा के हम आपको दिखाते हैं। अब इसको लगाने के लिए ये हमने थंब ऐसे हमने ग्लव्स को रख लिया। अब यहाँ पे ऐसे हम इसको रख लेंगे। रखने के बाद ये ब्लैक कलर का धागा ये हम इसमें लगा लेंगे सुई में और उससे हम इसको लगाएंगे। ये देखिए बीच से निकालेंगे हम। यहाँ पे ऐसे लेके और ये धागे को हम दो बार तीन बार घुमा लेंगे, ऐसे घुमा लेंगे और अब हम इसको सुई को निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी एक गांठ लग जाएगी। अब ये हमारी ये गांठ लग गई है। अब इसको ऐसे पीछे से बंद कर देंगे। ये देखिए एक आंख को हमने लगा लिया, दूसरा भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे ऐसे सुई से लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए ग्लव्स को हमने डेकोरेट कर दिया, ये सब हमने लगा दिया और ये किनारे ये टैसेल लगा दिया। ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी, और नहीं भी लगा सकते हैं। वैसे ये बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगती है। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।